तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुका हो और इसके बाद अगर आप चाहते हो अपना गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरीफाई करना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आप अपना गूगल एडसेंस पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्शन दिख जाएगा। पहले वाला एक्शन यहाँ पर चला गया है क्योंकि मैंने मेरा गूगल एडसेंस का जो पिन वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट कर चुका हूँ। और अगर आप अपना गूगल एडसेंस का पिन अभी भी वेरिफिकेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख कर आप अपना गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो गूगल एडसेंस के पिन वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस ऑप्शन दिखेगा। बैलेंस के यहाँ पर देखिए 3 डॉट मेनू है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा व्यू पेमेंट्स, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पर व्यू पेमेंट्स देख रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई नाउ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वो ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई नाउ, इधर आप लोगों को ऑप्शन दिख जाएगा वेरीफाई नाउ। दोस्तों अगर आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हो तो आपका आइडेंटिटी पर जो भी एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और आपके जीमेल एड्रेस पर भी सेम ही डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस होना चाहिए। अगर उसके साथ मैच नहीं करता है तो आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगा, फेल हो जाएगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा, ये ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा। आप तीन तरीके से आप अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, एक ड्राइवरी लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पासपोर्ट या फिर ड्राइवरी लाइसेंस या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसके से भी आप करना चाहो तो कीजिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन इधर पर जो दिख रहा है, यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे तरह से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको वेरीफाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका जो इमेज होगा जिस इमेज से आप वेरीफाई करोगे आइडेंटिटी से, वो अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा अपलोड फोटो आईडी, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मैं आधार कार्ड से यहाँ पर वेरीफाई करूँगा, तो मेरा आधार कार्ड का इमेज यहाँ पर मैं लिया हूँ। तो चलिए मेरा आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना डॉक्यूमेंट ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिए और आपका डॉक्यूमेंट एकदम झकास होना चाहिए, कोई भी एरर या फिर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा, तो इसको प्रोसेसिंग आप लोग होने दीजिए। थोड़ा लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा आपका पिक्चर यहाँ पर लोडिंग हो चुका है। उसके बाद नीचे और एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर कॉन्फर्म इन्फो, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और ये सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आपका जीमेल का जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका आइडेंटिटी पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए या फिर मैच होना चाहिए, आपका एड्रेस भी मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच होता है तो आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर कंफर्म इन्फो पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। और अगर आप कोई भी उल्टा सीधा फ़ोटो या फिर आइडेंटिटी अपलोड करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पर मुझे बोल दिया जाएगा 2-1 दिन के अंदर कि आपका आइडेंटिटी जो आप सबमिट किया हो वो वेरीफाई होगा या फिर नहीं होगा। तो 2-1 दिन यहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों, 10-15 मिनट के अंदर आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेरा एडसेंस पर अभी चलाया हूँ और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर वो जो एक्शन वाला बटन यहाँ पर है, देखिए जे यहाँ पर लिखा हुआ है यर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, ये अभी भी आ रहा है। तो आप घबराइए मत, ये इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद चलिए मैं आप लोगों को अब मेरा जीमेल पर जाकर दिखाता हूँ कि मेरा
देखिए जीमेल पर मेरा एक मेल आया है गूगल के तरफ से, गूगल एडसेंस के तरफ से। तो चलिए यहाँ पर उसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है गूगल एडसेंस की तरफ से, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर 5 मिनट के अंदर मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीटली हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप पेमेंट लेना चाहते हो तो आपका पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कीजिए और पेमेंट आप ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल का हर नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।